स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल। गुप्त काल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है। गुप्त वंश का संस्थापक है, ये रहे चार ऑप्शन, इसमें सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो गुप्त संभवत 319 ईस्वी की शुरुआत किसने की थी। ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए क्योंकि आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी किया है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो V.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो ये रहे चार ऑप्शन, इसमें सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। जी हाँ, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो शक विजेता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो कालिदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर सेवंथ की बात करें, जी हाँ, तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 1/6। जी हाँ, लगातार गेस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आठ की बात करें, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। प्रश्न नंबर नाइन्थ की बात करें तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सही विकल्प का चुनाव करें, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें सही है उपर्युक्त सभी, यानी कि मीमांसा जैमिनी, जबकि सांख कपिल और न्याय गौतम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रस्थान त्रिये में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 12th की बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? चंद्रगुप्त सेकेंड ने किस राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिच्छवी वंश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13th? इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या होगा? आर्यभट्ट। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित है? चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित है, 16, 17 और 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जी हाँ, लगातार गेस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई हैं? अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, असुमेलित चयन चुनिए, इसमें से कौन सा असुमेलित है? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो असुमेलित है वही चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र कालिदास, ये असुमेलित है, जबकि अष्टाध्यायी पाणिनि और मृच्छकटिकम ये जो है शूद्रक, और महाभाष्य पतंजलि ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो असुमेलित चुनिए, चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कुमार संभो चाणक्य, ये असुमेलित है, जबकि पंचतंत्र विष्णु शर्मा से संबंधित है, और बृहत संहिता वराह विहीर से संबंधित है, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो किस अभिलेख में कालिदास एवं भारावि दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मिहिर कुल कौन था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, मिहिर कुल हूण था।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे। ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, ताम्र लिप्ति। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है, क्या कहा गया है, किस प्रकार का विजय कहा गया है? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा धर्म विजय। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो सुमेलित करना है, जी हाँ, इसमें एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो अशोक का संबंध किससे है, प्रियदर्शनी। समुद्रगुप्त का संबंध है परक्रमांक से, और जबकि चंद्रगुप्त सेकंड का संबंध है विक्रमादित्य से, जबकि स्कंद गुप्त का संबंध है क्रमादित्य से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, गुप्त शासकों में निम्न में से किस एक धर्म को पुनर्जीवित किया? क्वेश्चन नंबर 23 का, जी हाँ, उत्तर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, वीरसेन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय में उसका सेनापति कौन था? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो शूद्रक एवं विशाख दत्त किस काल में हुए? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, शूद्रक एवं विशाख दत्त किस काल में हुए? तो ये चार ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो जी हाँ, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगोप। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांत पति बनाया था? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा स्कंद गुप्त। जी हाँ, आपके उत्तर हमारे उत्तर के आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि आपने खूब तैयारी किया है, तो चेक कर लीजिए। 29 का देखिए क्या होगा, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। बिल्कुल सही गेस किया आपने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जी हाँ, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा दिनार। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो गुप्त कालीन सिक्कों का अक्षय भंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या होगा, बयाना। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, स्कंद गुप्त का भीतरी अवलेख किस जिले में स्थित है? तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा, गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा नारद ने किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अवलेख का रचयिता कौन है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो किस भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो जी हाँ, सती प्रथा की जानकारी देने वाले एरण अभिलेख 510 ईस्वी का निर्माण करता कौन था? ये रहे चार ऑप्शन, चारों में से सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो विष्णु शर्मा
रचित पंचतंत्र जो शिक्षा प्रद कहानियों का एक संग्रह है, ये किस काल में लिखा गया था? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या होगा? सातवाहन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, जी हाँ, गुप्त नरेश चंद्र गुप्त सेकेंड की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। प्रश्न नंबर 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये सुमेलित नहीं है। बाकी और सभी कुमार गुप्त फर्स्ट, मंदसौर अभिलेख, ये सुमेलित है। पतिक तक्षशिला अभिलेख, ये भी सुमेलित है। और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख, ये भी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, जी हाँ, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था? ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर होगा पटना, बिल्कुल सही बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, लगातार गेस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सफलता के लिए। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा देवगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा रूपक। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, जी हाँ, स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो ये कौन सा उत्तर सही होगा? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा भास। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो किसके दृष्टिकोण के अनुसार 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ था? ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा मनु। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, जी हाँ, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो स्कंद गुप्त किसका उपासक था? ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर हो जाएगा शिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, गुप्त काल में सेना विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संद विग्राहिक। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमारे वीडियोज आपको पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।